वर्तमान समय में देश दुनिया व समाज को गांधी जी के बताए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है ताकि मानव में वैमनस्य की भावना खत्म हो। यह शब्द हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बुधवार गांधी जी की 150वीं जयंती पर राजभवन में आयोजित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने उपरांत अपने संबोधन में व्यक्त किए। इस अवसर पर महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का गायन हुआ और सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी की गई। इस प्रार्थना सभा में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख धर्मों के धार्मिक प्रचारकों ने देश की एकता व अखंडता का प्रवचनों व भजनों के माध्यम से संदेश दिया। गांधी जी ने अनुशासन पर बल दिया। वह कहते थे, अनुशासन ही देश को महान एवं शक्तिशाली बना सकता है। आज ही के दिन 1904 में राष्ट्र के महान सपूत एवं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने देशवासियों को जय जवान जय किसान का नारा देकर राष्ट्र के गौरव और प्रतिष्ठा में चार चांद लगाए थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर हरित क्रांति का आगे बढ़ाया और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया। देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए दोनों के समान विचार थे। देश की समृद्धि और खुशहाली में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व में 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाक के नापाक इरादों को न केवल नाकाम किया बल्कि करारी हार दी। शास्त्री जी का 11 जनवरी 1966 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान, रूस में आकस्मिक निधन हुआ, जो बहुत ही दुखद था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी 30 जनवरी 1948 में आकस्मिक देहांत हुआ। देश के लिए यह अत्यंत दुखदायी घटना थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।